दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक साईफाई लवर हो तो आपने कभी ना कभी इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखी होगी। दोस्तों, इंटरस्टेलर साल 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट की है। मूवी की कहानी फ्यूचर के अर्थ पर शुरू होती है, जब इंसानों का अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। नासा के वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स अर्थ को छोड़कर ऐसे दूसरे प्लैनेट की खोज कर रहे हैं जो कि हैबिटेबल हो सकती है, और इस काम के लिए वे इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हैं। अब दोस्तों, ये तो इस मूवी का बेहद ही साधारण सा उपन्यास है। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज और स्पेस ट्रैवल में दिलचस्पी रखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मूवी के बारे में सिर्फ इतनी सी चीजें सुनकर ही आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हुए इस मूवी के उन तत्वों को देखते हैं जिससे ये सदी की इतनी बेस्ट मूवीज में से एक बन गई है। नंबर वन, मूवी की शुरुआत कौन से टाइम में होती है? अब दोस्तों, ये बात इतने अच्छे तरीके से इंटरस्टेलर में बताई नहीं गई है। मूवी की शुरुआत में किसी भी तरह का टाइटल नहीं दिया गया है कि फिल्म 21वीं या 22वीं सदी में शुरू होती है। हालांकि कैरेक्टर्स के एक डायलॉग से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी 21वीं सदी के अंत में शुरू होती है, तकरीबन साल 2080 या फिर साल 2090 के वक्त में। लेकिन ये भी पूरी तरह से एक अनुमान की तरह है। अब मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने भी फिल्म के इस महत्वपूर्ण डिटेल को बताने से मना कर दिया था। अब शायद डायरेक्टर हमसे ये कहना चाहते हैं कि मूवी में जो हो रहा है वो अब से 5 साल बाद भी हो सकता है या 50 साल बाद भी हो सकता है। नंबर टू, इंसान धरती को छोड़ के जाना क्यों चाहते हैं? अब दोस्तों, सबसे पहले तो बता दो कि इस मूवी में किसी भी तरह से एलियंस का हमला नहीं हुआ है। असल में धरती पर ब्लाइट नाम की एक बीमारी फैल रही है, जिससे अनाज की कमी हो रही है और ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जा रहे हैं। ये मूवी एक ऐसे फ्यूचर के बारे में बता रही है जब धरती पर एक के बाद एक आपदाओं की वजह से इंसानों की जनसंख्या कम हो गई है। इस दुनिया में ज्यादातर इंसान अनाज की कमी की वजह से फार्मर्स बन गए हैं और ब्लाइट की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही है। नाउ, ब्लाइट एक प्लांट की बीमारी होती है जो सभी फसलों को खत्म कर रही है। ब्लाइट की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारी धरती अब रहने लायक नहीं रही है और इंसानियत बहुत जल्द ही विलुप्त तो होने वाले हैं। क्रिस्टोफर नॉलन ने ब्लाइट नाम की इस बीमारी का इंस्पिरेशन डस्ट बाउल से लिया है, जो साल 1930 में अमेरिका में आया करती थी। इसमें सूखे और गलत फार्मिंग के तरीके की वजह से धूल के तूफान आया करते थे और सभी फसलें बर्बाद हो जाया करती थी। नंबर थ्री, मूवी की शुरुआत का ये भूत कौन है? दोस्तों, अब अगर आपने मूवी अच्छे से देखी है तो आपने देखा होगा कि मेन कैरेक्टर कूपर की बेटी मर्फ अपने पिता से कंप्लेन करती है कि उसके रूम के अंदर एक भूत है। मर्फ का मानना है कि वो भूत असल में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिता कूपर कहते हैं कि ये असल में एक ग्रेविटेशनल अवैधता है। यह अवैधता कूपर के लिए बाइनरी कोड में एक मैसेज भेजती है। ये मैसेज असल में GPS कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो नासा के सीक्रेट बेस की लोकेशन बताता है। और मूवी के अंत में भी हमें ये पता चलता है कि मर्फ की घड़ी में भी कोई मैसेज छोड़ के जाता है। लेकिन यार, इतना आगे भी नहीं बढ़ते। नंबर फोर, ये ग्रेविटी का इक्वेशन क्या है? दोस्तों, जब कूपर और उसकी बेटी मर्फ नासा के सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं तब वहां मौजूद साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि जिस तरह की ग्रेविटेशनल एनोमली या अवैधता कूपर ने देखी है, बिल्कुल वैसी ही अवैधताएं उन्हें भी डिटेक्ट हुई है और ये उन्हें पिछले 50 सालों से डिटेक्ट हो रही है, बिल्कुल उसी टाइम से जब शनि ग्रह के पास एक वॉर्म होल आया है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि उस वॉर्म होल को किसी ने जानबूझकर सैटर्न के पास रखा है और उन्हें वे दे कहकर पुकारते हैं। इन ग्रेविटेशनल अवैधताओं को देखकर वैज्ञानिक ग्रेविटी का इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिससे खुद ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सके। अब जिस तरह की ग्रेविटेशनल एनोमलीज कूपर, मर्फ और दूसरे वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट की थी, उसकी वजह से उन्हें ग्रेविटी के बारे में जितनी भी चीजें पता चलती है उसे फिर से इवेलुएट करने की जरूरत पड़ रही थी। अब अगर हमारी धरती मर रही है और ह्यूमैनिटी को भारी मात्रा में प्लैनेट छोड़कर जाना है तो वो आज के रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए नामुमकिन होगा। ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही थी, इंसान और रॉकेट्स बेहद ही भारी है। अब ग्रेविटी इक्वेशन की हेल्प से वैज्ञानिक ग्रेविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं और भारी मात्रा में फ्यूल और लाइफ को प्लैनेट से बाहर निकाल कर रखना चाहते हैं। अब मूवी में प्रोफेसर ब्रांड नाम का एक कैरेक्टर है जो करीब 40 साल से इस ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
बाद में उसे पता चलता है कि वो जिस इक्वेशन पर काम कर रहा था वो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को साथ में लेकर नहीं चलता। अब अगर सच में इस ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको और डेटा की जरूरत होगी जो कि सिर्फ ब्लैक होल के अंदर मिल सकता है। अब ग्रेविटी को कंट्रोल करने के इस तरीके का आइडिया भले ही साइंस फिक्शन लगता हो लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। नंबर 5, ये प्लान बी क्या है? दोस्तों तो अब कूपर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ उस वॉर्म होल के अंदर के गैलेक्सी को एक्सप्लोर करना चला जाता है जहां पॉसिबली एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है और जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन शिफ्ट हो सकती है। अब नासा ने कूपर के आने से बहुत पहले कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उस वॉर्म होल के जरिए अंदर भेजा था। अब वो सभी वैज्ञानिक वॉर्म होल के अंदर के एक एक प्लैनेट पर जाकर बस गए थे और उन्होंने अर्थ पर सिग्नल्स भेजे थे कि क्या वो प्लैनेट हैबिटेबल हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पर टोटली 3 प्लैनेट्स ऐसे थे जहाँ से सिग्नल्स आए थे कि हाँ इस प्लैनेट पर ह्यूमंस आकर रह सकते हैं। अब कूपर और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स उन्हीं प्लैनेट्स पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि क्या सच में वहाँ लाइफ पॉसिबल है भी या नहीं। अब डॉक्टर ब्रांड यहाँ धरती पर ग्रेविटी का इक्वेशन ढूंढकर ह्यूमंस को वहाँ से निकालने के तरीके ढूंढ रहे थे और वहाँ कूपर स्पेस में हैबिटेबल प्लैनेट खोज रहा था। लेकिन डॉक्टर ब्रांड के पास एक बैकअप प्लान भी था जो कि प्लान बी था। अगर वो ग्रेविटी का इक्वेशन नहीं ढूंढ पाते तो वो नए प्लैनेट को फर्टिलाइज्ड एग्स के थ्रू रीपॉपुलेट करेंगे ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा जिंदा रह सके। लेकिन आखिर में ये पता चलता है कि डॉक्टर ब्रांड ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं पाए, तो इसका मतलब प्लान बी असल में प्लान ए ही था। नंबर 6, ये वॉर्म होल क्या है? दोस्तों इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी कि बहुत से स्टार्स और सोलर सिस्टम्स के थ्रू मूव करना टेक्निकली इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा कोई प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है जहां लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नया घर ढूंढने के लिए ह्यूमंस को एक नया प्लैनेट खोजने की जरूरत है जो कि शायद यूनिवर्स के दूसरे कोने में लोकेटेड भी हो सकता है। अब उस दूसरे तरीके तक समय रहते पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है वॉर्म होल। अब दोस्तों इस मूवी में एक वॉर्म होल सैटर्न के पास आता है जहां ग्रेविटेशन की सबसे बड़ी अवैधता दिखाई देती है। इस वॉर्म होल के अंदर से जाकर पॉसिबल है कि आप दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है जिसे हम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिज स्पेस और टाइम को बेंड करके बनता है जिसमें यूनिवर्स के दूर दूर के पॉइंट्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। नंबर 7, वॉर्म होल को वहां आखिर रखा किसने? दोस्तों वॉर्म होल्स नेचुरली नहीं आते, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी ने उस वॉर्म होल को वहां जानबूझकर रखा होगा। फिल्म के शुरुआत में ही हमें यकीन दिलाया जाता है कि एक अल्ट्रा एडवांस्ड सिविलाइजेशन है जो कि इंसानों को किसी तरीके से मदद कर रहा है। फिल्म के आखिर में कूपर बताता है कि वो एलियंस असल में हम ह्यूमंस ही है। ये अल्ट्रा एडवांस्ड सिविलाइजेशन फ्यूचर के ह्यूमंस हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को इस कदर मास्टर कर लिया है कि वो 5 डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है वो टाइम और स्पेस के थ्रू आगे या पीछे आसानी से आ जा सकते हैं। अब मूवी में हम इस एडवांस्ड सिविलाइजेशन से कभी नहीं मिलते। क्रिस्टोफर नॉलन अपनी मूवी की बहुत सी चीजों को मिस्ट्री रखना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 8, उस प्लैनेट पर टाइम ज्यादा तेजी से मूव क्यों करता है? दोस्तों कूपर और उसकी टीम वॉर्म होल के अंदर से होकर गैलेक्सी की दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि फ्यूल कम होने की वजह से वो किन्हीं 2 प्लैनेट पर ही जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब सबसे पहला प्लैनेट था ओशियन प्लैनेट जो कि एक बहुत बड़े ब्लैक होल के करीब ऑर्बिट कर रहा था। अब फिल्म में ये एक्सप्लेन किया गया था कि इस ब्लैक होल की बहुत बड़े ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती के 7 साल उस प्लैनेट पर सिर्फ 1 घंटे के बराबर होंगे, यानी कि अगर आप उस प्लैनेट पर सिर्फ 7 घंटे रहेंगे तो धरती पर 50 साल बीत चुके होंगे। अब यार मुझे आपका तो पता नहीं पर ये स्टेटमेंट सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और बार बार मन में यही सवाल आ रहा था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, और इसका डरावना जवाब है जी हाँ हो सकता है। एक ब्लैक होल स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है, उसकी ग्रेविटेशनल शक्तियां ओशियन प्लैनेट को ब्लैक होल की तरफ खींचता और निचोड़ता है और अर्थ के कंपैरिजन में ओशियन प्लैनेट का स्पेस टाइम बहुत मुड़ा हुआ है। अब आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन सभी में चाबी की तरह है। साल 1915 में उन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा वो स्पेस और टाइम को बेंड करेगा। अब अर्थ के अराउंड जो स्पेस टाइम है वो ओशियन प्लैनेट के अराउंड के स्पेस टाइम से बहुत ही अलग है, इसीलिए रिलेटिविटी की वजह से टाइम इतनी यूनिक तरीके से मूव करता है।
है। अब मूवी ने इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से यूज किया है और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि एक तरह से ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों, अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें कितनी चीजें सच है। जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में ही देखा है, इस बात की पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि धरती पर कोई ऐसी बीमारी नहीं फैलेगी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देगी। कोरोना वायरस ने हम इंसानों को दिखा दिया कि कुदरत के सामने हम कितनी छोटी सी चीज है और हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ग्रेविटी को कंट्रोल करना या फिर वॉर्म होल के थ्रू ऐसे गैलेक्सी में जाना जहां हैबिटेबल प्लैनेट्स हो सकते हैं, इन सभी चीजों को तो आप अगले 100 सालों तक तो भूल ही जाइए। ह्यूमंस के पैरों के कदम अब तक मार्स तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और सैटर्न तो बहुत दूर की बात है। और जहां तक वॉर्म होल्स के कॉन्सेप्ट की बात है तो वो केवल जनरल रिलेटिविटी के सॉल्यूशंस के लिए ठीक है। अब तक किसी ने भी असलियत में वॉर्म होल देखा या बनाया नहीं है। नंबर 9, ब्लैक होल के अंदर बुक शेल्व्स क्यों थे? दोस्तों, ओशियन प्लैनेट पर कूपर और उसकी टीम को कुछ नहीं मिलता, उल्टा वहां जाने की वजह से कूपर धरती के 23 साल खो देता है। जब वो फिर से लौटता है तब उसकी बेटी बहुत बड़ी हो गई होती है और खुद टॉप साइंटिस्ट बन चुकी होती है जो ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए कूपर दूसरे प्लैनेट जो कि बिल्कुल एक आइस वर्ल्ड की तरह है वहां इन्वेस्टिगेट करने जाता है। वहां पर पहले से मौजूद साइंटिस्ट को हाइबरनेशन स्लीप से उठाया जाता है। और हाँ यार, एक और बात, मूवी में दिखाया जाने वाला क्रायो स्लीप अब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसीलिए ये भी एक तरह से फिक्शन की तरह ही है। आइस वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट करने वाला साइंटिस्ट असल में विलेन होता है। वो गलत मैसेजेस अर्थ पर भेजता है कि उसके प्लैनेट पर लाइफ है, लेकिन असल में उसका प्लैनेट बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं होता। वो बस वहां से निकलकर वापस धरती पर लौटना चाहता है। अब एक बहुत बड़े और सिनेमैटिक एक्शन सीन के बाद कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और उसके साथ ही साइंटिस्ट तीसरे और आखिरी प्लैनेट जहां पर लाइफ हो सकती है वहां पहुंच जाती है। अब ब्लैक होल के अंदर मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, कूपर और उसके साथ का एक रोबोट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से पास होकर एक 4-डाइमेंशनल क्यूब में पहुंच जाते हैं। रोबोट उसे एक्सप्लेन करता है कि असल में अल्ट्रा एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने एक 5-डाइमेंशनल रियलिटी में एक 3-डाइमेंशनल स्पेस बनाया है ताकि कूपर को सब समझ सके। अब कूपर को यहाँ पर उसकी बेटी का बेडरूम दिखता है जब वो सिर्फ 10 साल की हुआ करती थी। उस टाइम का हर मोमेंट इनफाइनाइट फिजिकल लाइन की तरह दिखाया गया है जो कि कूपर आराम से ट्रैवल और एक्सपीरियंस कर सकता है। वहां पर कूपर टाइम के अराउंड फिजिकली मूव कर पा रहा होता है। अल्ट्रा एडवांस्ड स्पीसीज के लिए टाइम एक फिजिकल डायमेंशन बन गया है। वो पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल किसी पहाड़ पर चढ़ने के जैसा चढ़ और उतर सकते हैं। अब कूपर फिजिकली टाइम में पीछे तो ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन हमने मूवी में देखा कि ग्रेविटी और टाइम डायमेंशंस को क्रॉस कर सकती है। तो अब कूपर अपनी बेटी को ग्रेविटी के थ्रू मैसेज भेज पा रहा है। असल में शुरुआत में मर्फ के रूम में जो घोस्ट बताया जा रहा था वो खुद कूपर ही था। धीरे धीरे पहले कूपर अपनी बेटी को नासा के लोकेशन की मैसेज भेजता है, फिर उसके बाद वो ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डेटा भेजता है। अब याद है जहां मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी इक्वेशन इसीलिए सॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें ब्लैक होल के अंदर के और डेटा की जरूरत थी। जब कूपर ब्लैक होल के अंदर से होकर जाता है तब उसके साथ मौजूद रोबोट उस सारे क्वांटम डेटा को कलेक्ट कर लेता है। अब उस सारी इंफॉर्मेशन को मोर्स कोड के थ्रू कूपर अपनी बेटी की वॉच में भेजता है और उसकी बेटी सक्सेसफुली ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। नंबर 10, अंत में वो ट्यूब जैसा अर्थ क्या है? दोस्तों, कूपर की बेटी मर्फ क्वांटम डेटा का इस्तेमाल करके ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। अब वो जान गई है कि ग्रेविटी की शक्ति को कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि कैसे कम या ज्यादा करना है। इस वजह से ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी मात्रा में अर्थ को छोड़ने में कामयाब हो जाती है। पूरे सोलर सिस्टम में अब एक ट्यूब जैसी कॉलोनीज है जहां ह्यूमंस रह सकते हैं। अब मूवीज में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि इन स्टेशंस को कैसे बनाया गया है, लेकिन जिस बुक से उसकी इंस्पिरेशन ली गई है उसके मुताबिक मर्फ को पता चल गया है कि अर्थ के नेचुरल ग्रेविटेशनल पुल को कैसे कम करना है। अगर आप अर्थ की ग्रेविटी को कम कर देते हैं तो रॉकेट को स्पेस में भेजना आसान हो जाता है और तो और स्पेस में लाइफ को सपोर्ट करना भी पॉसिबल हो जाता है। मूवी के एंड में ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी भी एक हैबिटेबल प्लैनेट की खोज कर रही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी भी जिंदा है। अब अगर आपने मूवी को एंड तक देखा होगा तो उसमें कूपर की साथी साइंटिस्ट एक प्लैनेट पर दिखाई देती है जो कि असल में वही तीसरा प्लैनेट है। वहां पर वो अपना स्पेस हेलमेट खोल देती है। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने हैबिटेबल प्लैनेट की खोज भी कर ली है।
अब मैं मानता हूँ कि इस मूवी के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। इसीलिए भी ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ट्रैवल मूवीज की कैटेगरी में आती है। वैसे दोस्तों यार, आपको ये मूवी कैसे लगी थी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको अब नेक्स्ट कौन सी मूवीज के बारे में जानना है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट डाला था इंटरस्टेलर मूवी के लिए, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बनता है यार। अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक ले, बाय, जय हिंद।